नाउ हम इस पार्ट में बात करने वाले फोर्थ डिटरमिनेंट्स ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस, और फोर्थ डिटरमिनेंट है टॉक्सिन प्रोडक्शन। टॉक्सिन प्रोडक्शन, अब देखें ना, बैक्टीरिया या तो एक्सोटॉक्सिन बनाएगा या फिर एंडोटॉक्सिन बनाएगा, एंड थर्ड थिंग है जो कि ये वायरोलेंस फैक्टर बना के काम करेगा, या मतलब पैथोजेनेसिस कराएगा, डिजीज कॉज कराएगा। तो हम बेसिकली यहाँ पर बात करेंगे अभी पहले टॉक्सिन प्रोडक्शन में एक्सोटॉक्सिन एंड एंडोटॉक्सिन के बारे में, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं एक्सोटॉक्सिन, फर्स्ट इज एक्सोटॉक्सिन। एक्सोटॉक्सिन मीन्स ऐसा टॉक्सिन जो कि बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है और उसको बाहर निकालता है, ठीक है, मतलब प्रोड्यूस करके सिक्रीट करता है, और ये होता है पॉलीपेप्टाइड इन नेचर। तो पॉलीपेप्टाइड इन नेचर सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रीटेड बाय बैक्टीरिया, सिंथेसाइज्ड, ओके, सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रीटेड बाय मोस्ट ऑफ द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, दोनों ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक हो गया, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया वो जो है एक्सोटॉक्सिन बनाता है। एक्सोटॉक्सिन कैन इंड्यूस द एंटीबॉडी फॉर्मेशन इन आवर बॉडी, सो इसको हम एंटीटॉक्सिन भी कहते हैं, एंटीटॉक्सिन कहते हैं क्योंकि ये एंटीबॉडीज की एंटीबॉडीज जो बॉडी में है सिंथेसिस को बढ़ा देता है, ठीक है, एंटीबॉडी सिंथेसिस को बढ़ा देता है। अब इसके बाद इसका थर्ड जो प्रॉपर्टी है कि ये देखें ना, ये टॉक्सिन है ना, एक्सोटॉक्सिन को अगर हम ट्रीट करें, ट्रीटेड विथ फॉर्मल्डिहाइड और हीट और एनी स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये क्या होगा, ये एक्सोटॉक्सिन कन्वर्ट हो जाएगा टॉक्सोइड के फॉर्म में, कन्वर्टेड इनटू टॉक्सोइड्स, ठीक हो गया। अब ये टॉक्सोइड के पास स्टिल एंटीजेनिसिटी, मतलब एंटीजेन जैसा प्रॉपर्टी होगा, तो ये हैविंग या रिटेनिंग एंटीजेनिसिटी, सिटी वीक एंटीजेन जैसा काम करेगा, सो कैन बी यूज्ड इन वैक्सीन प्रोडक्शन, सो यूज्ड इन वैक्सीन्स, ठीक हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ओके, एक्सोटॉक्सिन के स्ट्रक्चर जो होते हैं, तकरीबन अगर हम रफली देखें तो इसका दो कंपोनेंट है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट देखें तो एक है ए कंपोनेंट, एक है बी कंपोनेंट। बी फॉर बाइंडिंग कंपोनेंट, जो कि लाइक ये एक सेल है ना, सेल पे ये बी वाला बाइंड करेगा, बी कंपोनेंट, ए कंपोनेंट अंदर जाके काम करेगा। ए फॉर एक्टिव कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट, ये कंपोनेंट, अब ये एक्टिव कंपोनेंट जाके अंदर जाके काम करेगा, ठीक है। तो ये हो गया दो कंपोनेंट, ए एंड बी कंपोनेंट। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं। तो एग्जांपल जो है, कॉमन एग्जांपल, ये बहुत ही इजी, बीसीडी याद कर ले आप, बी फॉर बोटुलिनम टॉक्सिन, सी फॉर कोलेरा टॉक्सिन एंड डी फॉर डिफ्थेरिया टॉक्सिन, टॉक्सिन, ठीक हो गया। तो एक्सोटॉक्सिन के बारे में ये है। अब हम देखते हैं कि ये किस तरीके से जो है डिजीज कॉज कराता है, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एक्सोटॉक्सिन, ओके, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एक्सोटॉक्सिन, तो बेसिकली जो है फोर मैकेनिज्म है जिस तरीके से, जिसके जरिए ये काम करता है। तो पहला मैकेनिज्म का नाम है एडीपी राइबोसाइलेशन, एडीपी राइबोसाइलेशन, ये देखें कोई भी लाइक हम कॉमनली जो एडीपी राइबोसाइलेशन के मैकेनिज्म से काम करता है उसका नाम है ये डिप्थेरिया टॉक्सिन, ठीक है। डिप्थेरिया टॉक्सिन का मैं यहाँ पर एग्जांपल देने जा रहा हूँ कि डिप्थेरिया टॉक्सिन एक एक्सोटॉक्सिन है, सो इसका भी दो कंपोनेंट होगा, एक ये क्या है बी कंपोनेंट, ये है ए कंपोनेंट, ठीक है। अब बी बाइंड किया सेल सरफेस पे, ए जो है अंदर गया, और अंदर ना एक फैक्टर होता है जिसको हम कहते हैं इलोंगेशन फैक्टर, इलोंगेशन फैक्टर टू होता है, जिसका काम होता है ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करना, ठीक है, जो कि आरएनए की लेंथ को बढ़ा रहा होता है, ठीक है। तो देखिए ना, इलोंगेशन फैक्टर को जाके ये जो है ए कंपोनेंट जाके क्या करेगा, एडीपी राइबोसाइलेशन कर देगा,
बोजाइलेशन मीन्स हो गया कि एलोंगेशन फैक्टर पे एडीपी राइबोज जाके जोड़ देगा। तो जो एडीपी राइबोज है अगर एलोंगेशन फैक्टर 2 के साथ जुड़ गया तो ये एलोंगेशन फैक्टर 2 इनएक्टिव हो जाएगा। अब जब इनएक्टिव हो गया तो क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, उसके बाद ट्रांसलेशन नहीं होगा, तो प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाएगी, डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है। अब देखें प्रोटीन सिंथेसिस अगर कम हो गया तो अब बॉडी में जो जितने भी बैक्टीरिया को मारने वाला एंजाइम था तो वो सारे तो क्या था, एंजाइम प्रोटीन था ना। अब प्रोटीन ही नहीं बनेगा तो क्या होगा कि वो बैक्टीरिया अंदर जाकर डिजीज करेगा इजिली। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सेकेंड मैकेनिज्म। नाउ सेकेंड मैकेनिज्म इज कुछ एक्सोटॉक्सिन है जो कि सुपर एंटीजन जैसा काम करता है। अब जो सुपर एंटीजन जैसा काम करेगा वो ओवर प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइंस करा देगा, ओवर प्रोडक्शन साइटोकाइंस करा देगा। अब जब ओवर प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइन होगा, साइटोकाइन में इंटरल्यूकिंस हो गया, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर हो गया, तो ये सारे क्या कराएगा, इंटरल्यूकिन जो है बुखार मतलब फीवर करा देगा। इसके बाद ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर ये भी फीवर करा देगा, जो है हाइपोटेंशन करा देगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करवाएगा। अब जो थर्ड इसका मैकेनिज्म ऑफ जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एक्सोटॉक्सिन है, उसका नाम है प्रोटीएज। प्रोटीएज वर्ड से क्लियर है कि प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करने वाला, मींस ये क्या करेगा, प्रोटियोलाइसिस लाइसिस ऑफ सेल कंपोनेंट ऑफ सेल कंपोनेंट्स। ठीक है, ऑफ होस्ट। जो फोर्थ है उसका नाम है लेसिथिनेज, जो कि लेसिथिन एंजाइम को लेसिथिन पर एक्ट करेगा, लेसिथिनेज। ठीक है, तो ये है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एक्सोटॉक्सिन। तो एक्सोटॉक्सिन के बारे में ये है। अब हम पढ़ लेते हैं सेकेंड जिसका नाम है एंडोटॉक्सिन। सेकेंड टॉक्सिन जो है वो है एंडोटॉक्सिन। ओके, सेकेंड वन इज एंडोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन जैसे कि वर्ड से क्लियर है कि बैक्टीरिया के अंदर ही होता है, मतलब ऑलरेडी बैक्टीरिया का कंपोनेंट है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। तो ये एक्चुअली जो है लिपोपॉलीसेकेराइड इन नेचर होता है, राइड इन नेचर, और ये पाया जाता है, इट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक हो गया, ग्राम पॉजिटिव में नहीं होगा एंडोटॉक्सिन ये। इसके बाद अब देखें इसके पास एंटीजेनिसिटी प्रॉपर्टी नहीं होती, सो ये जो है वैक्सीन में यूज नहीं किया जाता, नॉट यूज्ड इन वैक्सीन्स। नाउ द थर्ड जो है ये जो लिपोपॉलीसेकेराइड है इसमें एक लिपिड ए होता है, लिपिड ए ऑफ लिपोपॉलीसेकेराइड, ये क्या करता है, कॉजेज ओवर प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइंस फ्रॉम मैक्रोफेजेस। इवन नाइट्रिक ऑक्साइड भी मैक्रोफेज से ज़्यादा सिंथेसाइज करवाएगा, मैक्रोफेजेस। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं मोड ऑफ एक्शन जो है इसका क्या है, एंडोटॉक्सिन का। मोड्स ऑफ एक्शन ऑफ एंडोटॉक्सिन, एक्चुअली थ्री मोड्स ऑफ एक्शन ऑफ एंडोटॉक्सिन है। ओके, इन मोड पढ़ने से पहले हम इसके एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। इसके एग्जाम्पल में है टॉक्सिन फॉर मेनिंजोकोकेमिया, जो कि एंडोटॉक्सिन का एक एग्जाम्पल है। अब थ्री मोड ऑफ एक्शन में से पहला जो मोड ऑफ एक्शन है वो है एक्टिवेशन ऑफ मैक्रोफेजेस, ऑफ मैक्रोफेजेस। अब देखें जब मैक्रोफेज एक्टिवेट होगा तो क्या निकालेगा, मैक्रोफेज क्या निकालेगा, इंटरल्यूकिंस निकालेगा। तो इंटरल्यूकिन क्या कराएगा, फीवर। नाउ ये ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर भी निकालेगा, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर जो है फीवर एंड हाइपोटेंशन कराता है, और मैक्रोफेज जो है नाइट्रिक ऑक्साइड भी निकालता है जो कि एक वैसोडायलेटर है, सो हाइपोटेंशन कराता है ये भी। सेकेंड जो मोड ऑफ एक्शन है वो है एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम,
अब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का दो इंटरमीडिएट है जो कि एंडोटॉक्सिन जिसके जरिए काम करता है, एक है C3A। C3A क्या कराता है कि ये इडेमा एंड हाइपोटेंशन कराता है, एंड दूसरा है C5A जो कि न्यूट्रोफिल की कीमोटैक्सिस कराता है टुवार्ड्स एंडोटॉक्सिन, न्यूट्रोफिल कीमोटैक्सिस। द थर्ड जो है मोड ऑफ एक्शन वो है कि टिश्यू फैक्टर को एक्टिवेट करके काम करना, एक्टिवेशन ऑफ टिश्यू फैक्टर। अब मैंने एंटी प्लेटलेट्स वाले जो फार्मा के वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि टिश्यू फैक्टर जो है एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ कोगुलेशन को एक्टिवेट करता है। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे के जरिए क्या कराएगा, ये सेप्टिक कोगुलेशन कराएगा, सेप्टिक इंट्रावैस्कुलर कोगुलेशन, सेप्टिक इंट्रावैस्कुलर कोगुलेशन कराएगा, और जिसके जरिए क्या होगा कि ये आगे जाके डिजीज कॉज कराएगा। तो ये है मोड्स ऑफ एक्शन ऑफ एंडोटॉक्सिन्स। अब ये था ओवरऑल ऑल अबाउट द डिटरमिनेंट्स ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस। थैंक यू।